45 वर्षीय महिला के साथ गांव के दबंगों ने की मारपीट। दबंग आरोपियों के द्वारा पूरे परिवार को दी जा रही है जान से मारने की धमकी। अब खबरें विस्तार से। छतरपुर जिले के थाना लवकुश नगर में महिला सावित्री रेगवार को गांव के ही 5 लोगों ने मारपीट कर लूलुहान कर दिया। बताया जा रहा है कि गांव के ही दबंग इस लाचार गरीब असहाय महिला के मकान को जबरन गिरा रहे हैं और विरोध करने पर दबंगों ने महिला के साथ लोहे की छड़ और डंडों से मारपीट कर धमकी दे रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट थाने में की गई, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसमें उदास होकर महिला ने परिजनों के पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। संतोष तिवारी की रिपोर्ट। सावित्री रेगवार कहाँ क्यों लौड़ी थाना कौन सा लगता है मकान मध्य किसने मारा है आपको? बाबूलाल ने। करीब कितने लोगों ने मारा है? 5 लोगों ने। क्या नाम है उनका? बाबूलाल, राजू, रेखपाल, भालू, मिथुन। किस चीज का विवाद था आप लोगों का जिस कारण लोगों ने आपके साथ मारा? मकान मेरा गिरा रहे थे, मैंने मना किया, उनने लट्ठन से पाइपन से मुझको पीटा, घसीट घसीट के मेरी आंगन में आकर मुझको माला है खूब। छतरपुर जिले के सटई थाना अंतर्गत ग्राम अरहिया में भगिया इतवार के साथ गांव के ही 8 दबंगों ने के बीच बाजार में रोक कर गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से मारपीट कर जेब में रखे 500 रुपए छीन लिए और शिकायत करने पर धमकी दे रहे हैं कि इसकी शिकायत छतरपुर जिला SP को आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कहाँ के? ग्राम परिया। कौन सा थाना लगता है जी? कौन सा थाना लगता है? सटई थाना लगता है। क्या हो, कैसी घटना है? सर में सटई से आ रहा था बाजार करके और रमन अवस्थी उनके उसके साथ 8-9 लड़के थे, उन्होंने छेद के मेरे को पीटा रोड पे, नेंगवा रोड पे। किस वजह से? मैं क्या आपका कोई पुराना विवाद था? नहीं, क्या कोई पुराना विवाद नहीं था, उसने दारू और गांजा पी रखा था उन लड़कों लड़कों ने और मेरी जेब में से 500 रुपये भी छीन लिए, मारपीट की थी मेरे साथ बेल्टों से और लाठियों से मारपीट की। इसकी शिकायत कहाँ पर की है? इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक साहब के यहाँ पे भी की है और कलेक्टर साहब के यहाँ पे भी की है, SP साहब के यहाँ पे तो थाने में भी की है। हाँ। क्या आश्वासन मिला है? आयोजन विभाग भी की है, कुछ आश्वासन नहीं मिला है सर। आप तक बयान नहीं देंगे? मतलब बयान तक नहीं हुए मेरे तो, और क्या है? क्या चाहते हो आप? कानूनी कार्रवाई चाहते हैं सर, जिसने गलत किया उसके साथ मतलब दंड मिलने चाहिए उसे।